ओम नमः शिवाय। आज मैं गौतम अडानी जी की कुंडली लेके आया हूँ। गौतम अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ। सिंह लग्न की कुंडली है। देखिए इनकी कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग बन रहा है। जब भी लग्न सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, कुंभ लग्न हो या वृषभ लग्न हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में होना चाहिए जो कि बुध है। तीसरी कंडीशन, गुरु केंद्र में है और चंद्रमा से भी केंद्र में होना चाहिए द्वितीय भाव का स्वामी। तो चंद्रमा से भी देखिए केंद्र में है, चंद्रमा भी केंद्र है। तो देखिए इनमें पूर्ण अखंड साम्राज्य योग बन रहा है। बुध व्यापार के कारक है, व्यापार में बिजनेस में इनका अखंड साम्राज्य योग बना है। अब देखिए इसमें जो है शनि छठम भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। और जो छठम भाव होता है वो प्रतिस्पर्धा का, चुनाव का, कंपटीशन का है, रोगऋण शत्रु का है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिस्पर्धा में ये विजयी हो रहे हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ जरूर आएंगी इनकी रोगऋण शत्रु के कारण, लेकिन यहाँ पे ये विपरीत राजयोग बन गया है तो ये विजयी होंगे। और साथ साथ देखिए अब जब भी प्रतिस्पर्धा करेंगे तो विजयी होंगे। और यहाँ पे देखिए बिजनेस भाव का स्वामी भी कंपटीशन भाव में बैठ गया, तो बिजनेस में इनको जो है कंपटीशन होगा, कंपटीशन से विजयी होंगे और इसमें व्यापार की वृद्धि होगी। और देखिए चंद्रमा जो है व्यय भाव का स्वामी है, खर्च भाव का स्वामी है, विदेश भाव का स्वामी है। तो बिजनेस से इनके व्यय भी होगा, खर्च भी होगा, विदेश भाव भी अच्छा रहेगा। और देखिए शुक्र जो है कर्म भाव का स्वामी है, तो व्यय से विदेश से इनका कर्म भी हो रहा है, इनका काम भी हो रहा है। और जो काम हो रहा है उससे देखिए ये धन भाव का भी स्वामी है, लाभ भाव का भी स्वामी है। तो इनके काम से लाभ भी हो रहा है और धन की वृद्धि भी हो रही है। साथ साथ देखिए सूर्य जो है ये व्यक्तित्व का स्वामी, लगन का स्वामी, तो इससे इनका लाभ से इनका व्यक्तित्व भी बन रहा है। तो ये एक कंडीशन इनकी कुंडली में खास हो रही है। अब मैं इनके कुंडली में शुरू से क्या योग बन रहे हैं सिंह लग्न से वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न के स्वामी सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ से इनका व्यक्तित्व बना हुआ है। साथ साथ गुरु और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि सूर्य के घर में अच्छा प्रभाव देगी, व्यक्तित्व को अच्छा बनाएगी। अब हम इनके धन भाव की बात करते हैं। धन भाव में द्वितीय भाव में देखिए कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुध केंद्र में बैठ गए हैं। कर्म से इनके धन की वृद्धि हो रही है और साथ साथ केतु की दृष्टि पड़ रही है। अब हम पराक्रम की बात करेंगे। पराक्रम में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठ गए। 3-12 का संबंध यहाँ भी बना है, विपरीत राजयोग शुक्र से बन रहा है। तो विपरीत परिस्थितियाँ विदेश भाव, खर्च भाव में आएंगी, लेकिन इनका पराक्रम अच्छा रहेगा। साथ साथ देखिए शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि, इससे क्या है कि इनका जो है पराक्रम काफ़ी अच्छा रहेगा। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, दृष्टि पड़ रही, पराक्रम काफ़ी अच्छा है। साथ साथ गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही, पराक्रम के लिए ये भी अच्छा कर रही है। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही, पराक्रम के लिए अच्छा कर रही है। तीनों ग्रहों की दृष्टि कारण इनका पराक्रम काफ़ी अच्छा है। चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठ गए। भाग्य से इनके चतुर्थ भाव की वृद्धि हो रही है। चतुर्थ भाव सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान का होता है। साथ साथ मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण इनका चतुर्थ भाव सुख सुविधा, भूमि, वाहन, मकान का काफ़ी अच्छा हो रहा है। साथ साथ बुध की दृष्टि पड़ रही है। अब हम बात करते हैं इनके पंचम भाव की। पंचम भाव जो कि ज्ञान का भाव है, विद्या का भाव है, धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु बिजनेस भाव में बैठे हैं, व्यापार से इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है, बिजनेस से इनको ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है। साथ साथ सूर्य की दृष्टि पड़ रही, गुरु के घर में अच्छा फल देगी सूर्य, तो ये भी ज्ञान को बढ़ाएगी। अब हम छठम भाव में आ जाते हैं। छठम भाव में देखिए शनि बैठे हैं, शनि अपने घर में बैठे हैं, केतु बैठे हुए हैं, शनि बैठ के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कंपटीशन भाव में कंपटीशन फेस करेंगे व्यापार में और उससे इनको विजयी होंगे, मतलब ये आगे जाएंगे। और ये क्या है, इसमें जो है शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ये विजयी होंगे। और साथ साथ देखिए शुक्र और राहु की शनि के घर में दृष्टि, ये भी अच्छा फल करेगी।
अब हम व्यापार भाव की अब बात करते हैं, बिजनेस भाव की। तो यहाँ पे गुरु और जो है चंद्रमा बैठे हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं, तो इस कारण इनका बिजनेस अच्छा है। साथ साथ इसके स्वामी बैठे हुए हैं छठम भाव में, तो रोग ऋण शत्रु कारण इनका व्यापार में भी वृद्धि होगी, और जो है शनि जो है कंपटीशन के कारण इनका बिजनेस भी होगा। अब हम अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव देखिए शोध का, एनालिसिस का, रिसर्च का, आयु का, मृत्यु का, ये होता है जहाँ पे इसके स्वामी गुरु बैठ गए हैं बिजनेस भाव में। तो बिजनेस में ये सारी चीज़ें होंगी, बिजनेस से इनको ये शोध एनालिसिस ये कर पाएंगे। साथ साथ देखिए इसमें जो राहु की जो दृष्टि पड़ रही नौमी गुरु के घर में और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, ये अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है गुरु के घर में शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। अब हम बात करेंगे इनके भाग्य भाव की। तो भाग्य भाव में मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो भाग्य की वृद्धि हो गई, भाग्य काफ़ी अच्छा हो गया। तो मंगल के कारण इनकी जो है भाग्य काफ़ी अच्छा। कर्म भाव की बात करते हैं। कर्म भाव में देखिए वृषभ राशि है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र वै भाव में विदेश भाव में बैठे हैं, तो विदेश से वै से खर्च से इनका कर्म भी अच्छा होगा। साथ साथ देखेंगे केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की भी दृष्टि कर्म कराएगी। अब हम लाभ भाव की बात करते हैं। तो लाभ भाव में देखिए बुध के घर में सूर्य बैठे हुए, तो लाभ ही कराएंगे, सूर्य जो है लाभ के कारक हैं। और देखिए मिथुन राशि के स्वामी बुध जो है कर्म भाव में बैठे, कर्म से इनका लाभ होगा। साथ साथ गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो भी क्या है, गुरु जहाँ दृष्टि डालते अच्छी पड़ रही, गुरु की पांचवीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि कारण लाभ इनका काफ़ी अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं इनके वै भाव की, विदेश भाव की। शुक्र और राहु की युति है जो कि बहुत ही अच्छा फल देती है। तो यहाँ पर शुक्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो इनका विदेश भाव वै भाव काफ़ी अच्छा हो गया है। साथ साथ शनि की और केतु की दृष्टि पड़ रही है वै में, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इन कारण इनका जो है वैभव ठीक है। तो अब इनमें क्या क्या इनकी कुंडली में खास योग है एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले इनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बन रहा है, ये बहुत खास है। दूसरा गुरु चंद्रमा गज केसरी योग बन रहा है। तीसरा शुक्र और राहु की युति, ये भी बहुत अच्छा फल देती है, ये भी अच्छा है। और फिर शनि का विपरीत राजयोग, ये भी बहुत अच्छा हो रहा। मंगल का अपने घर में बैठना भाग्य की वृद्धि, ये भी अच्छा कर रहा है। और मंगल का आठवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में अपने घर में दृष्टि डालना, ये भी अच्छा हो रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि इन योगों के कारण जो है ये कुंडली जो है बहुत ही अद्भुत होती है। धन्यवाद।